क्या इस साल का इंडियन प्रीमियर लीग भारत में खेला जाएगा या कहीं बाहर, इसके बारे में आज के वीडियो में करते हैं बात। दोस्तों उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिडनी का जो टेस्ट मैच है, तीसरा टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उस पर एक बहुत बड़ा दौरा लगा है, एज अ बिग इश्यू है, उसके बारे में करते हैं बात। और आखिर में मैं बताता हूं आप लोगों को कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ा दी दूसरे टेस्ट मैच में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज करते हैं बात। दोस्तों मेरा नाम आदर्श रामन है और न्यूज़ ट्रैकर के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देख लीजिए, बहुत काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बगैर वक्त जाया करें शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आईपीएल के बारे में अपडेट ये है कि इस साल का आईपीएल के पहले एक ऑक्शन होने वाला है। ये सारे रिपोर्ट्स ही हैं, बट देयर इज गोइंग टू बी एन ऑक्शन एंड अपेरेंटली ऑल द टीम्स हैव बीन आस्क्ड टू रिलीज देयर प्लेयर्स इनटू द ऑक्शन बिफोर द 21st ऑफ जनवरी। एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस होस्ट, द फर्स्ट चॉइस कंट्री टू होस्ट दिस ईयर्स इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन इफ इट डजंट वर्क आउट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक, देन इट माइट अगेन गो बैक टू द UAE। 2020 का आईपीएल भी UAE में हुआ था और हम इस साल के भी आईपीएल को UAE में देख सकते हैं, बट इंडिया रिमेन्स द फर्स्ट चॉइस वेन्यू। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज इंडियाज डोमेस्टिक सर्किट इज स्टार्टिंग अप ऑन द 10th ऑफ जनवरी विद द सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी एंड पीपल आर वांटिंग टू गेट दैट अंडरवे। उस पर भी एक थोड़ा सा झटका पड़ा हुआ है बिकॉज अ फ्यू मेंबर्स फ्रॉम अ होटल इन चेन्नई हैव टेस्टेड पॉजिटिव, बट ऑल प्लेयर्स आर सेफ, देयर इन आइसोलेशन, थिंग्स आर गोइंग अहेड। तो दिस सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी विल डिपेंड एंड इट विल मेक अ ह्यूज कंसिडरिंग फैक्टर गोइंग इन टू द आईपीएल, क्योंकि बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ से बहुत सारे टीम्स पिक करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो टेस्ट मैच का दौरा चल रहा है, उसके दूसरे मैच में यानी कि जो मेलबर्न में खेला गया था, जो टेस्ट मैच को भारत ने एकदम आसानी से जीत लिया था, उस मैच में एक फैन पाया गया है कोविड-19 पॉजिटिव। इसके वजह से बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अभी द एंटायर सीरीज इज इन अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क एंड ऑब्वियसली द थर्ड टेस्ट मैच इज गोइंग टू गेट अंडरवे इन सिडनी, बट देयर आर अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस। जो भी फैंस ने मेलबर्न से यानी कि MCG से मैच देखा था, देयर नॉट अलाउड टू गेट इन टू द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, उनको वहां पे मना कर दिया एंड ओनली 25% ऑफ द क्राउड इज ऑफ द ग्राउंड इज गोइंग टू बी फिल्ड विद fans and everybody will be wearing a mask, a face shield inside the ground. Obviously Sydney is also a cluster for COVID-19, there's a cluster there, it's also a hotspot, so restrictions kafi rahenge, but good news is that India and Australia are definitely going to play in Sydney on the 7th of January. To ye kafi achhi khabar hai, let's see what goes on in the third test match. New Zealand ke kitne bhi players ko hum tareef kare wo kam hi rahega, kyunki bas 2 din pehle main kar raha tha Ken Williamson ki tareef, लेकिन उसके बाद हमने कुछ और बहुत स्पेशल हमने देख लिया। मैं बस आपको एक छोटा सा रिकैप देता हूं। पहले दिन में जस्ट अंडर 300 रन्स पाकिस्तान वो बंडल्ड आउट, फिर न्यूजीलैंड अगले दिन बल्लेबाजी करने आया था। दे फिनिश्ड द डे ऑन अ वेरी बिग हाई, 89 नॉट आउट फ्रॉम हेनरी निकोलस एंड 112 नॉट आउट फ्रॉम कैप्टन केन विलियमसन। दे वेंट ऑन टू स्कोर सुपर डुपर बिग हंड्रेड्स। केन विलियमसन वेंट ऑन टू स्कोर डबल सेंचुरी 238 एंड हेनरी निकोलस गॉट टू 157। ऑब्वियसली केन विलियमसन बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट performance throughout the series is the man of the series, but in the second innings when Pakistan came out to bat again, they were bundled out for under 170 runs, lekin the entire match went to Kylie Jamieson. Despite the fact that there was a 208 from Captain Kane, Kylie Jamieson was absolutely sensational. 5 wickets in the first inning, 6 in the second, finished with match figures 11 for 117 runs, and he deservedly got the man of the match award as well. So this is what the update from Christchurch is. New Zealand have won the series 2-0. तो दोस्तों ये है आज की सारी खबर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग गया। अगर लग गया तो लाइक कर दीजिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द न्यू रेगुलेशंस फॉर द SCG टेस्ट मैच। क्या वो सही है, क्या वो गलत है? डू यू थिंक इंडिया शुड कंटिन्यू प्लेइंग द एंटायर सीरीज और दे शुड कम बैक, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, क्रिकेट ट्रैकर के पेज को अगर अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू दैट। नोटिफिकेशन की घंटी भी आप दबा दीजिए और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसे ही वीडियोज के साथ।